हे व्हाट्सअप गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे स्क्रीन पे दिखाए गए जो कुछ ये पेंटिंग्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें उस तरह की पेंटिंग निकालने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उस प्रकार की पेंटिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि कैसे ये पेंटिंग्स बनाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है? अरे नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक A4 शीट का पेपर ले लिया है, उसे हमने मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर कैमलिन के एक्रेलिक कलर यूज कर रहा हूँ। कैमलिन के एक्रेलिक कलर यूज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है जिससे कि हम कलर ऐड करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 3 टाइप के एक ब्रश ले लिए है, तो जिससे कि हम पेंटिंग करने में बहुत ही हमें आसानी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले स्काई ब्लू कलर लेने वाले हैं। स्काई ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर और थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो कलर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो वाइट पेपर है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको ये जो कंडीशन है यहाँ पर वो अवश्य डालनी होगी। तो इसी से हमारी पेंटिंग की जो है वो शोभा पूरी चली जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, और अगर गलती से भी हमसे ऐसा हो जाता है तो आपको उस कलर में और डार्क कलर ऐड करके उसे वापस से पेंट कर देना है, जैसे कि अभी मैं वीडियो में कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमने ब्लू कलर दे दिया है। उसके बाद में ब्लू कलर को मैच होने वाला एक अच्छा सा कलर देख के हम उसे अच्छी तरीके से डार्क कलर को ब्लेंड करने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पर अब हमारा ब्लू कलर देकर पूरा हो चुका है, और उसके बाद में हम उसे अच्छा सा मैच होने वाला एक डार्क कलर देने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कलर बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें हमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करना है, और ग्रीन कलर ऐड करने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है, और वाटर ऐड करने के बाद उसमें हमें थोड़ा सा और स्काई ब्लू कलर ऐड करना है। तो जैसे ही हम स्काई ब्लू ऐड करेंगे तभी उसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अलग तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर अब हमारा कलर बन चुका है, उसे अब हमें हमारे A4 शीट पे अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करते समय हमें उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है, और हमें थोड़ा सा संभल कर लेना है। तो अपना यहाँ पर जो हाउस है उसे हम, उसकी जो बॉर्डर है उसे हम थोड़ा सा खुला रख रहे हैं, क्योंकि हम उसे 0.0 ब्रश से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारा बैकग्राउंड देकर पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर 0.0 ब्रश लेकर अपना जो हाउस है उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपना माइक्रो ब्रश लेकर अपना जो हाउस है उसकी जो बॉर्डर है उसे कवर कर रहा हूँ। उसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारा जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ आने वाला है। तो बहुत सी लोगों की पेंटिंग करते वक्त ये समस्या होती है कि उनका जो कलर है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होता। तो उस कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जो ब्लू और ग्रीन कलर है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हो चुका है। तो उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो उनकी बॉर्डर है उस बॉर्डर पे हमें जो ब्लू कलर है वो लगाना है, और बॉर्डर पे ब्लू कलर लगाने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके ऊपर और नीचे उसे अच्छी तरीके से फैला देना है, और बस आपका काम तो हो गया। इसे ही तो कलर ब्लेंड करना कहते हैं। तो आपको अगर ये आसान लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। सो यहाँ पर अब हमारा कलर अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका, और अगर आपको ऑयल पेस्टर के ऊपर भी ऐसी ही कोई वीडियो चाहिए हो तो जल्दी से जल्दी 50 लाइक का टारगेट इस वीडियो पे कंप्लीट कर दीजिए। जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले ही दिन हम ऑयल पेस्टर कलर के ऊपर इसी प्रकार की कुछ वीडियो बनाने वाले हैं। तो हे गाइस, अब हमारा बाकी का जो बैकग्राउंड है वो मेन बैकग्राउंड पूरा हो चुका है। उसके बाद में अब हमें आउटलाइंस निकालने हैं। आउटलाइन निकालने के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर माइक्रो ब्रश नहीं होगा तो आप दूसरे ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मेन जो बैकग्राउंड है वो ड्रॉ करते हैं।
सो यहाँ पर अब हमें मेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमारा जो हाउस है उसे पेंट करना है, और जब हम हाउस को पेंट करेंगे तो उसे पेंट करते ही हमारे पेंटिंग को एक बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। उसे पेंट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक कलर ऐड कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर अब हमारे हाउस की जो डोर्स और विंडोज है उसे छोड़कर हम पूरे हाउस को कवर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब हम विंडोज में, मतलब घर में अगर लाइट जल रही है तो हम इसे पीले कलर से रंग करने वाले। उससे पहले हमें अपने आइसमैन को कलर करना है, तो आप अपने आइसमैन को क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं मालूम कि आइसमैन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आइसमैन को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड कर चुका हूँ, और हमने यहाँ पर आइसमैन को कलर दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने आइसमैन को कलर देकर होने के बाद में जो लैंड है उसका स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, तो उसका टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने सेम कलर का यूज़ कर दिया है। तो टेक्सचर देने के बाद में उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में वाटर ऐड करना है। तो ज़्यादा मात्रा में वाटर ऐड करने के बाद में यहाँ पर अब हमारी पेंटिंग को है वो एकदम मतलब बढ़िया सा जो स्ट्रक्चर है वो आ गया है। सो गाइज, यहाँ पर अब हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद में अब हम हमारे जो डोर्स और विंडोज है होम के उसे हम जल्दी से पेंट करने वाले हैं। तो उसे पेंट करने के लिए यहाँ पर हमने डार्क येलो कलर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डार्क येलो कलर लेंगे, उसे डोर्स और विंडो पे अप्लाई करना होने वाले है। तो यहाँ पर जो हाउस में लाइट जल रहा है उसका उजाला बाहर बर्फ पे दिखाने के लिए यहाँ पर अब हमने वही कलर सेम थोड़ा सा नीचे जो हमारा लैंड है उस पे दिखा दिया है, और पीछे कुछ अच्छा सा लुक लाने के लिए यहाँ पर मैं क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए मैं 0.0 ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। तो गाइस, पर्सनली मुझे पूछा जाए कि ये कलर कैसे है, तो मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो कलर बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं, और उसके बाद में इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत स्मूथ है। सो यहाँ पर दोस्तों, कैमलिन के जो एक्रेलिक कलर है वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमने कुछ जो ट्रीज़ है वो कुछ ट्री छोटे तो कुछ ट्री बड़े ड्रॉ किए हैं, जिससे कि हमारी पेंटिंग को अच्छा सा खासा एक लुक आने वाला है। सो हे दोस्तों, यहाँ पर एक कॉमन जो गलती है वो बहुत सारे पेंटर्स कर देते हैं, तो वो नहीं करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमसे हुई भी है तो उसे कैसे सुधारना चाहिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यहाँ पर अब हम हमारे आइसमैन को कलर कर लेंगे। उसके हमारे हैंड को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया हूँ, आप ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो कॉमन गलती है वो हम यहाँ पर कर देते हैं, जब हम डार्क ब्लैक कलर देते हैं और कुछ टेक्सचर ड्रॉ करने जाते हैं तभी वो ब्लैक कलर जो है वो हमारी पेंटिंग पे स्प्रेड हो जाता है। उस समय हमें घबराना नहीं है, पेंटिंग का सूखने तक हमें इंतज़ार करना है, और जब पेंटिंग सूख जाती है तब उस पर हमें थोड़ा सा व्हाइट कलर लगा देना है। सो व्हाइट कलर लगाने के बाद वो एकदम से स्टॉप हो जाता है और हमारी पेंटिंग को वापस से अच्छा लुक आ जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमने स्काई में थोड़ा सा व्हाइट कलर स्प्रेड कर दिया है। सो उसके लिए हमने एक ब्रश को दूसरे ब्रश के ऊपर टैप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो स्प्रिंकल है वो पूरा हो चुका है, बट हमारा जो हाउस है उस पर अभी भी थोड़ा सा टेक्सचर ड्रॉ करना बाकी है। तो यहाँ पर आइसमैन का जो शेडो है वो दिखाने के लिए मैं डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया हूँ, और उसके पीछे हमने थोड़ा सा येल्लो कलर दे दिया है, क्योंकि जो होम है उसके अंदर का जो बल्ब है उसका जो मतलब प्रकाश है वो बाहर दिखना चाहिए, इसलिए मैंने वैसा किया है। तो यहाँ पर आइसमैन कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ पर अब हमारे हाउस को जो है वो मेन स्ट्रक्चर हमें दे देना है। उसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन कलर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमारी पेंटिंग पूरी हो चुकी है, तो उसे हमें थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पर हम सेंटा क्लॉज बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं 0.0 ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम जब ज़्यादा मात्रा में पानी ऐड करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं होता, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जगह में स्प्रेड हो जाता है, तो इससे हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती।
तो हे दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी पेंटिंग लगभग पूरी हो रही है। तो फिर यहाँ पे अब हमें जो मास्किंग टेप है वो हमें यहाँ से निकाल देना है। उसके बाद में हमारी जो पेंटिंग है वो बहुत ही बढ़िया दिखने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें मास्किंग टेप निकालना है। तो मास्किंग टेप निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो पेंटिंग है उसे हमें सबसे पहले सूखने देना होगा, और तभी हमें वो मास्किंग टेप निकालनी है। तो चलिए दोस्तों, पेंटिंग को सूखने तक इंतजार करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे यूजर यहाँ पर गलती कर देते हैं कि मास्किंग टेप निकालते समय वो पेंटिंग को सूखने नहीं देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमें पेंटिंग को सूखने देना है, वरना हमारा जो व्हाइट पेपर है, A4 शीट पेपर है, वो बहुत ही जल्दी फट जाता है। तो यहाँ पर मेरी पेंटिंग सूख चुकी है और मैं मास्किंग टेप को रिमूव कर रहा हूँ। बट दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो हिरन है सेंटा क्लॉज की, उसका जो मुँह है उसे हमें निकालने के लिए जगह नहीं हुई, तो हम उसे उसके बाहर निकालने वाले है। वो दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा बैकग्राउंड कलर और जो हमारी बॉर्डर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से A4 शीट पे आ चुकी है। आप देख सकते हो जो हमारी 4 साइड्स है, उस 4 साइड्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद में हमारा जो हिरन का जो माउथ है वो यहाँ पर रह गया है, तो उसे कर लेंगे। बहुत सारे पेंटर के साथ में ये हो सकता है कि उन्हें उसे निकालने के लिए जगह नहीं रहती, तो हमें उसे छोड़ नहीं देना है, हमें उसे ऊपर लगातार कंप्लीट करते रहना है, जिससे कि हमारी पेंटिंग को 3D लुक आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी पेंटिंग पूरी हो चुकी है। हिरन का माउथ भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पेंटिंग पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।